हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं गॉडज़िला किंग ऑफ द मास्टर मूवी के एंड में दिखाए गए उन न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में, जिसमें हमें ये बताया गया था कि आखिर गॉडज़िला किंग ऑफ द मास्टर्स मूवी के बाद क्या क्या हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक आर्टिकल में लिखा होता है टाइटंस रिटर्निंग टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। दरअसल हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि किंग गैदोरा सभी के सभी टाइटंस को आज़ाद कर देता है और अब वो सभी टाइटंस वापस से नेचुरल एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, क्योंकि इससे कई हज़ारों साल पहले एक वक्त ऐसा भी था जब ये सभी के सभी टाइटंस अर्थ पर रहा करते थे। उसके बाद ये सभी डीप स्लीप में चले गए थे और अब जाके किंग गैदोरा ने इन सभी को वापस से आज़ाद किया है, इसलिए इस आर्टिकल में एक वर्ड यूज़ किया गया है रिटर्निंग। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है मोनार्च डिक्रेट्स ऑफ सीक्रेट रिवील। इसका मतलब यह कि मोनार्च ने जितने भी सीक्रेट रख रखे थे टाइटन्स के बारे में, वो सभी के सभी रिवील कर देती है। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है मोनार्च रिलीजेस टाइटन स्टडी टू पब्लिक। इसका मतलब यह है कि जैसा कि हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि सारे के सारे टाइटन अब आजाद हो चुके हैं, तो इसलिए मोनार्च ने जितनी भी स्टडी करी थी इन टाइटन्स के बारे में, वो सभी के सभी पब्लिक को रिवील कर देती है, क्योंकि अब लोगों को टाइटन्स के साथ ही रहना है तो उन्हें टाइटन्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है एशियंट होलो अर्थ ह्यूमन कॉक्सिएटेड विद टाइटन्स। इसका मतलब यह है कि जैसा कि हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि अर्थ अंदर से खोखली है, यही वजह है कि गॉडज़िला एक जगह से दूसरी जगह इतनी जल्दी ट्रैवल कर पाता है। और गॉडज़िला का जो घर है वो अर्थ के अंदर ही बना हुआ है, यानी कि अर्थ खोखली है तभी गॉडज़िला का घर अर्थ के अंदर बन पाया। और इसमें लिखा गया है कि आज से हज़ारों साल पहले जब मॉन्स्टर्स और इंसान साथ में रहते थे, ये हॉलो अर्थ तभी से बिलोंग करती है। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है मोनार्च टू एक्सप्लोर होलो अर्थ। इसका मतलब यह कि मोनार्च अब होलो अर्थ के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि होलो अर्थ के अंदर ही गॉडज़िला का घर था, तो वो जानना चाहते हैं कि होलो अर्थ के अंदर और क्या क्या है। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है मोनार्च फाइंड मैसिव एग। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हमने इस मूवी में देखा था कि मोथरा मर जाती है, तो अगर हम 90s में गॉडज़िला की मूवी में नज़र डालें तो उसमें यह दिखाया गया है कि मोथरा जब भी मरती है तो वो एक अंडा बन जाती है और उस अंडे में से एक नई मोथरा निकलती है और उसका साइकिल इसी तरीके से चलता है। तो मोनार्च को जो अंडा मिला है उसमें से होना हो एक नई मोथरा निकलेगी। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है सिस्मिक डिस्टरबेंस रिपोर्टेड ऑन स्कल आइलैंड। तो जैसे कि हमने कॉन्ग द स्कल आइलैंड मूवी में देखा था कि एक आइलैंड होता है जिसे कि स्कल आइलैंड के नाम से जाना जाता है, इस पे कि कॉन्ग रहता है, तो अभी उस आइलैंड पे डिस्टरबेंस है, यानी कि हलचल हो रही है। इसका मतलब ये कि जितने भी टाइटन्स है वो सारे के सारे स्कल आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे कॉन्ग रहता है। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है न्यू टाइटन्स ड्रॉन टू स्कल आइलैंड। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे टाइटन अब स्कल आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस आर्टिकल में उसी के बारे में बताया गया है। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है मोनार्च बूस्ट फोर्स अराउंड स्कल आइलैंड, यानी कि मोनार्च ने स्कल आइलैंड के पास आर्मी को बढ़ा दिया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सारे के सारे टाइटन स्कल आइलैंड की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पक्का कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि हमें गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग मूवी में देखने को मिलेगा। और इसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है व्हाट इज अ किंग टू अ गॉड के पेंटिंग ऑफ टाइटन्स रीअसेंबलिंग कॉन्ग एंड गॉडज़िला डिस्कवर्ड। और वहीं नीचे हम एक फोटो बनी हुई भी देख सकते हैं जो कि एक केव पेंटिंग है, जिसमें कि हम कॉन्ग और गॉडज़िला को लड़ते हुए देख सकते हैं, यानी कि हमें आने वाली कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला मूवी में वे दोनों लड़ते हुए दिखेंगे। और इस केव पेंटिंग का मतलब ये है कि आज से कई हज़ारों साल पहले जब सारे के सारे टाइटन अर्थ पे रहा करते थे तब भी इनके बीच लड़ाई हुई थी। और उसके बाद एक आर्टिकल में लिखा होता है गॉडज़िला पाथ थ्रू पैसिफिक ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू रीव्स रिस्टोरिंग फिश पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि अब गॉडज़िला कॉन्ग स्कल आइलैंड की ओर बढ़ रहा है पैसिफिक ओशन के थ्रू, तो पैसिफिक ओशन में जितने भी मछलियां मर चुकी है पोल्यूशन की वजह से, वो गॉडज़िला के अंदर से निकले हुए रेडिएशन की वजह से वापस से जिंदा हो रही है। और उसके बाद के एक आर्टिकल में लिखा होता है मिस्टीरियस रेन फॉरेस्ट ब्लूम्स इन सहारा डेजर्ट। इसका मतलब ये कि सहारा के रेगिस्तानों में अचानक से एक रेन फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल उग चुका है। तो सवाल ये भी आता है कि आखिर ये घना जंगल उगा कैसे, तो इसके बाद के एक आर्टिकल में हम देखते हैं बीमा टाइटन रिस्टोर डिफॉरेस्टेशन रीजन ऑफ अमेजोन। यानी कि जैसा कि हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि सभी के सभी टाइटन्स के अंदर से एक रेडिएशन निकलते हैं जिससे उनके आसपास पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, तो जो बीमा टाइटन है वो अभी अफ्रीका के रीजन में, और अफ्रीका में सहारा डेजर्ट पाया जाता है, तो बीमा टाइटन के अंदर से निकले हुए रेडिएशन की वजह से सहारा डेजर्ट में रेन फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल उग गया है।
और इसके बाद के एक आर्टिकल में लिखा होता है स्काइलर स्लोस आइस मेल्ट इन द अंटार्कटिका स्टेबिलाइजिंग सी लेवल। तो इसका मतलब ये है कि जैसा कि हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि सभी के सभी टाइटन अर्थ पे इसलिए हैं ताकि वो अर्थ का बैलेंस बना सकें, और इन्हीं में से एक है स्काइलर जो कि एक मकड़ी जैसी दिखने वाली टाइटन है, और उसने कुछ ऐसा किया है जिससे कि अर्थ का ग्लोबल वार्मिंग का स्तर कम हो गया है, और यही वजह है कि अंटार्कटिका में बर्फ़ पिघलना स्लो हो गई है। और फिर उसके बाद के एक आर्टिकल में लिखा होता है गॉडज़िला कीप्स टाइटन इन चेक। तो जैसा कि हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि गॉडज़िला किंग गैदोरा को मारने के बाद सभी टाइटन्स का राजा बन जाता है, तो इसलिए वो सभी के सभी टाइटन पर ध्यान रख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। और इसके बाद के एक आर्टिकल में लिखा होता है रोडान नेस्टिंग इन वोल्केनो नॉर्थ ऑफ फ्यूजी। तो इसका मतलब यह है कि जैसा कि हमने इस मूवी के दौरान देखा था कि रोडान वोल्केनो के अंदर से निकलता है, और रोडान को आग का दानव भी कहा जाता है, यानी कि उसे आग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो जापान के माउंट फ्यूजी में जाके अपना नेस्ट बना रहा है ताकि वो वहाँ पे रह सके, क्योंकि माउंट फ्यूजी भी एक वोल्केनो है और उसके अंदर भी बहुत सारा लावा है। और इसके बाद के एक आर्टिकल में लिखा होता है टाइटन वेस्ट कुल बी वीएबल एनर्जी सोर्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टाइटन्स के अंदर से एक रेडिएशन निकलता है जिससे कि उनके आसपास पेड़ पौधे और नए नए जानवर बनने लग जाते हैं, तो उनके वेस्ट के जरिए एनर्जी सोर्स यानी कि उन्हें फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, यही इस आर्टिकल में बताया गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।